ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। अगर आपको ये पौधा कहीं मिलता है, ये लता मिलती है, तो कोशिश करिए कि अपने घर में लगा लें, क्योंकि ये करेले की तरह दिखने वाला जंगली करेला है और हमसे इसे काफ़ी लोगों ने मांगा था। आज हम इधर आए थे घर से दूर, तो ये यहाँ पे मिल जाता है, तो हमने कहा इसको देखते हैं। फिर इसकी पत्ती देखेंगे, सेम वैसे ही है। फूल भी जो करेले का होता है वैसे ही होता है, जिसने देखा होगा उन्हें ज्ञात होगा। ये देखिए, साथ में इसके फल मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे होते हैं। ये कहीं फल एक दिख रहा था, इतने छोटे फल होते हैं कि इसको देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। और एक छोटी वैरायटी होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वो भी अलग होता है। देखिए ये जंगली करेला, अपने आप से इससे ज़्यादा नहीं होंगे बल्कि छोटे ही होते हैं। और इसके बीज, इतना ही बड़ा करेला होता है, आप देखेंगे तो ये देखिए बीज फट के फट गया है। ये इतना ही बड़ा करेला होता है, तो इसके हम बीज ले हमने देखा तो हमने सोचा इसके बीज ले लें, क्योंकि हमारे बहुत से वैद्य मित्र लोग हैं जो कि इसका बीज कह रहे थे कि कहीं से उपलब्ध कराया जाते। हमने इसका बीज देखेंगे तोड़ रखा है। और ये जो नॉर्मल करेला होता है उससे कम से कम बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। और इसमें खास बात यह कि इसमें कोई कीटनाशक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से उगता है। और ये हमने इसके कुछ करेले तोड़े हैं जिसकी कि सब्जी बनेगी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे करेले होते हैं। और इसकी एक वैरायटी भी होती है जो सब्जी बनती है, जो मार्केट में मिलती है, वो अलग किस्म होती है, वो जंगली नहीं होता है, वो हमने उगा रखा है। तो जंगली जो करेला है वो यही है। और इसमें फल कम आते हैं, तो इसके पत्ते का हम रस ले सकते हैं। जैसे कि लोग शुगर वाले मरीज जो बोलते हैं कि करेला खाना चाहिए, तो उसमें देखिए उस करेले को खा करके तो और उन्होंने अपने लीवर और किडनी को ख़राब करना है, क्योंकि उसमें रोज़ कीटनाशक दवाई हर 30 से 34 दिन पड़ता है। तो अगर आपको करेला खाना है तो घर पर उगाइए, गमले में उगाइए, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, उस पे कीटनाशक का स्प्रे ना होता हो। और करेले के में जो गुड़ होते हैं वो इसके पत्ते में भी होते हैं, तो आप इसके पत्ते का जूस बना के, सूप बना करके पी सकते हैं, सुबह शाम पीस करके थोड़े से पत्ते लेकर के। तो ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जंगली करेला कोशिश करेंगे उगा के, देखते हैं घर पे कि वहाँ पे इसके फल में बढ़ोतरी होती है या कम फलेगा ऐसी, क्योंकि यहाँ पर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है। देखेंगे तो इसमें देखिए ऐसे फल दिखते नहीं है, बड़े ध्यान से देखने पर एक आध फल दिखता है। जैसे आपको देखिए फल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये फल लगा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे ना, ये देखिए ऐसे ऐसे इसके फल मिलते हैं। एक फल यह है, ये कीड़े ने खा लिया है, उसे हम तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से एक फल यह है, इस तरीके से ये हमें तोड़ना पड़ता है, ये देखिए। तो इस तरीके से फल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जंगल झाड़ी में देखिए बेरी के पेड़ पर है ये। और इसके फायदे ये कि और भी वनस्पतियाँ गुड़ इसमें आ जाती हैं, तो इसलिए हम इसको उपयोग करेंगे, सब्जी बनाएंगे। हम भाग्यशाली है जो इसका करेला मिल रहा है। पिछले साल भी मैंने इसकी एक दिन सब्जी बनवाई थी और इस बार ये दूसरी बार है। तो आप लोग क्या अगर उधर हो तो इसका संरक्षण करिएगा और इसके पौधे उगा के रखिएगा। इसी के साथ ही आप लोगों को स्वस्थ लाभ हो, आपको प्रकृति माता रक्षा करें, सारी वनस्पतियाँ आपको वनस्पतियों से औषधि गुण मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।